children let's learn division sum. Okay, division sum with two digit with one digit. Okay, एकदम easy sum. Tables में आते हो वैसे sum, easy sum से startup करते हैं हम division का. Okay, चलो first thing हमें पहले sum देखना है. Sum को ऐसे ही लिखना है, ये curve के अंदर और ये ऐसे. Okay, ये division की position है. चलो यहाँ पे आपको देखना है 3030. ओके, तो 30 के अंदर पहले ये देखो, ये क्या है 3. ओ माय गॉड, 5 से छोटे डिजिट है, 5 से छोटी है ना. ओके, तो हमें क्या करना होगा, दूसरी डिजिट भी लेनी होगी. तो हम दो डिजिट के साथ डील करेंगे. चलो ओके, थिंक कि 5 के टेबल में 30 आता है. आपको टेबल नहीं आते तो आपको यहाँ पे छोटा सा रफ पेज बनाना है और यहाँ पे आपको लिखना है 5, 10, 15, 20, 25, 30. ओह यस, 30 आया 5 के टेबल के अंदर. यस yes! तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये वनजा है, टूजा, थ्रीजा, फोरजा, फाइवजा, सिक्सजा. ओह यस, 5, 6, 30. तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल ही लिखना है. यहाँ पे कैसे टेबल लिखेंगे, 5, 6, 3, 0, 30. एग्जैक्ट डिजिट के परफेक्टली नीचे ही आपको दूसरी डिजिट लिखनी है. और अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस. अब मेरा रफ पेज तो मैं रिमूव कर दे रही हूँ, लेकिन आप अपने साइड पे रफ पेज ऑलवेज रखना. ओके, चलो 30 माइनस 30 क्या होता, 0 माइनस 0 इज 0. ओके, 3 माइनस 3 इज 0. माई गॉड, नीचे 0 0 आ गया. तो समझना कि 5 के टेबल में 30 आंसर आता है. यस, डायरेक्टली हमें दिख गया 5, 6, 30. यस, चलो अब एक चीज हमें परफेक्टली नोट डाउन करनी है. ओके, वो क्या लिखना है, Q and R. क्यू मतलब क्वेश्चन. ओके, हमारा आंसर यहाँ पे नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे है. यहाँ 6 है तो यहाँ 6 हमारा आंसर है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन. उसको आप क्वेश्चन मतलब क्यू लिख के आप आंसर लिख दो. ओके, चलो ये है आर. आर मतलब ये जो 0 0 है ना, उसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर. तो आपको 0 0 यहाँ पे लिखना है. ओके, चलो नाउ लेट्स डू सेकेंड सम. ओके, आपको पता है ना डिवीजन के अंदर आपको पहले क्या देखना है, फर्स्ट डिजिट देखनी है. ओ, फर्स्ट डिजिट इज 1. 1 डिजिट तो 4 से तो छोटी है ना, 1 छोटा है ना 1. तो हम क्या करेंगे, दूसरी डिजिट भी देखेंगे. तो हम देखेंगे 1, 6, 16, लेकिन मुझे 4 का टेबल नहीं आता. तो क्या करेंगे, रफ पेज, यूज योर रफ पेज. चलो रफ पेज यूज करो. हाँ, रफ पेज में 4 के आंसर्स लिखो, 4, then 8, then 12, then 16. ओ यस, 16 आया. चलो कितने जा, मतलब 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16. यस, 4 जा 16. तो ये 4 है 4, तो हम 4 जा 16 लिखेंगे. याद रखना, एक डिजिट के नीचे ही दूसरी डिजिट लिखनी है. ओके, चलो अब हम उसको माइनस करेंगे. क्या करेंगे माइनस, मैं तो मेरा रफ वर्क रिमूव कर रही हूँ. ओके, लेकिन आप अपने बुक में साइड पे रफ वर्क ऑलवेज करना और रखना. चलो 6 माइनस 6 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0. वाओ, नीचे 0 0 आया, मतलब समझ लेना कि 4 के टेबल में 60 आता है. यस, आता है. चलो अब हम लिखेंगे हमारा आंसर क्यू और आर. ओके, क्यू मतलब क्वेश्चन और क्वेश्चन मीन्स अब हमारा परफेक्ट आंसर कहाँ पे है, यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ ऊपर है. कहाँ है, ऊपर. तो मैं लिखू
दूंगी फोर क्वेश्चन एंड आर जो रिमाइंडर है हमारा 0 0 वो मैं यहाँ पे लिखूंगी. ओके चिल्ड्रेंस,